this chapter. Chapter number 13, safety. Clear? So it's time to do the exercises. Okay? बच्चों हमने इस chapter का explanation complete कर लिया है, तो अब हम इस chapter की exercises करेंगे. Clear? Our first exercise is answer the following questions. Okay? Now open your book and see page number 92. Our first question is, write two safety rules that you should observe in a school. बच्चों इसमें आपको कोई भी टू सेफ्टी रूल्स यानी कि सुरक्षा के नियमों को राइट करना है जिन्हें आपको अपने स्कूल में फॉलो करना चाहिए. क्लियर? सो इट्स आंसर इज टू सेफ्टी रूल्स इन स्कूल आर. बच्चों दो ऐसे सेफ्टी रूल्स जो हमें स्कूल में फॉलो करना चाहिए वो है डोंट पुश द अदर चिल्ड्रन. ठीक है? किसी भी अदर बच्चे को यानी कि दूसरे बच्चे को पुश यानी कि धक्का नहीं दे. सेकेंड इज वॉक डाउन स्टेयर्स केयरफुली, और बहुत ही ध्यान से बहुत ही ध्यान पूर्वक स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों से नीचे उतरे. क्लियर? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर शुड यू क्रॉस द रोड. आपको कहाँ से रोड क्रॉस करना चाहिए. So its answer is we should cross the road at zebra crossing. हमें zebra crossing से ही road cross करना चाहिए. Clear? Students, our next question is write any two safety rules that you observe at home. बच्चों इनमें कोई भी ऐसे टू सेफ्टी रूल्स को आपको राइट करना है जो आपको होम यानी कि अपने घरों में फॉलो करना चाहिए. क्लियर? सो इट्स आंसर इज टू सेफ्टी रूल्स एट होम आर नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस. कभी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस से नहीं खेले. क्लियर? नेक्स्ट डोंट प्ले विद मैच स्टिक्स. मैच स्टिक्स यानी कि माचिस की तीलियों से नहीं खेले. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स दीज आर टू सेफ्टी रूल्स दैट यू हैव टू ऑब्जर्व एट होम. क्लियर एवरीवन? नाउ टर्न योर पेज एंड सी पेज नंबर 93. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी. इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. वी शुड नेवर प्ले विथ आ. हमें कभी भी किससे नहीं खेलना चाहिए. ओके? आवर फर्स्ट ऑप्शन इज मैच बॉक्स एंड मैच स्टिक्स. सेकेंड ऑप्शन इज फुटबॉल. थर्ड ऑप्शन इज ब्लेड एंड फोर्थ ऑप्शन इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके? नाउ टेल मी दैट विच ऑप्शन इज करेक्ट. यस, ऑप्शन नंबर फोर, बोथ सेकेंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड. ओके? बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? मैच बॉक्स एंड मैच स्टिक्स यानी कि बच्चों माचिस के डिब्बे और माचिस की तीलियों से. और थर्ड ऑप्शन है हमारा ब्लेड. ठीक है? तो हमें इन दोनों चीजों से नहीं खेलना चाहिए, इसलिए बच्चों हम फोर्थ वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज ऑलवेज वॉक ऑन द डैश एंड क्रॉस द रोड एट अ डैश इफ देयर इज वन. बच्चों हमें हमेशा कहाँ पे वॉक करना चाहिए? तो हमें हमेशा फुटपाथ पर वॉक करना चाहिए. और हमेशा कहाँ से रोड क्रॉस करना चाहिए? यस, हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए. क्लियर? सो इन फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स वी फिल फुटपाथ एंड सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स वी फिल ज़ेब्रा क्रॉसिंग. क्लियर एवरीवन? तो बच्चों ये दोनों वर्ड्स कौन से ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर वन. That's why option number one is correct. Okay? Our next exercise is that discuss the reasons for the following statements. बच्चों इसमें आपको two statements दिया गया है जिनके लिए आपको reasons provide करना है. Reasons it means कारण. So our first statement is there are traffic policemen on the road. बच्चों road पर traffic policemen होते हैं क्यों? So its answer is there are traffic policemen on the road to manage the traffic. ठीक है? बच्चों यातायात को manage यानी कि नियंत्रित करने के लिए ही traffic policemen road पर होते हैं. Okay? Our next statement is we wear seat belts while traveling in our car. कार में travel करते समय हमें seat belt पहनना चाहिए. क्यों? So its answer is we wear seat
helmets while traveling in a car to reduce injuries in accidents. बच्चों दुर्घटनाओं में इंजरीज यानी कि चोट से बचने के लिए ही हमें कार में ट्रैवल करते समय सीट बेल्ट पहनना चाहिए. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क. स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज दैट ड्रॉ ज़ेब्रा क्रॉसिंग इन योर क्लास वर्क कॉपी. ओके बच्चों आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में जहाँ पर ब्लैंक पेज है, जहाँ पर बच्चों आपने चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम राइट किया है, उसके जस्ट लेफ्ट साइड पे जो आपका ब्लैंक पेज है वहाँ पर आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग ड्रॉ करना है. क्लियर? और स्टूडेंट्स जो भी मैंने आज आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, गिव रीजंस, ये सारी एक्सरसाइजेस कराई है, इसे आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में नहीं राइट करना है बिकॉज दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन योर सब्जेक्ट एनरिचमेंट. क्लियर? इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को सिर्फ आपको रीड करना है. ओके?